दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन मुकुल है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए अ लेडी विद अ डिफरेंस, एक अलग प्रकार की महिला लेसन लेकर आया हूँ। तो अ लेडी विद अ डिफरेंस का अर्थ होता है एक अलग प्रकार की महिला। तो मैं प्रारंभ करता हूँ हिंदी रूपांतर। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त को पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक जगह बदायूं में हुआ था, जो गौतम बुद्ध की याद से जुड़ी है। वे मिर्जा कासिम बेग और नुसरत खानम की 9वीं संतान थीं। उनका पारिवारिक नाम इस्मत खानम चुगताई था और उन्हें उनके प्यार का नाम चुन्नी कहकर पुकारा जाता था। कासिम बेग चुगताई एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं में आगरा, बहराइच, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ और बाद में मेवाड़ राजघराने की जगहों सोजट, सांभर, बलोतरा, जौरा और विशेषकर जोधपुर में कार्य किया। डिप्टी कलेक्टर के रूप में 1924 में रिटायर होकर वे आगरा में अपने पारिवारिक घर आ गए। जल्दी ही वे आगरा की गली पंजशाही की गंदगी से ऊब गए और अलीगढ़ जाकर बस गए। इसके बावजूद जोधपुर के महाराजा ने उन्हें सम्मान के साथ वापस बुलाया, जहां फिर उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा दी। 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता की 9वीं संतान और वह भी एक लड़की, दुनिया में उनका जन्म लेने का उनके माता पिता या परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा जोश के साथ स्वागत नहीं किया गया। यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी उनका ध्यान नहीं रखा। औरत न ही उनकी कमी को उन्हें महसूस नहीं होने दिया। अपने जन्मदिन के अवसर के विषय में वर्णन करते हुए वे कहती हैं, मेरी माँ पड़ोस में अपनी सहेली की बेटी की शादी में जाने के लिए कपड़े पहन रही थी। सफाई करने वाली महिला फर्श पोंछ रही थी, जब मैंने बिना घोषणा किए, मतलब बिना कुछ कहे, दुनिया में आने को चुना। जब मेरे भाइयों और बहनों का जन्म हुआ तो दाई आया करती थी, लेकिन मेरे प्रसव को दाई द्वारा कराया गया। इसी कारण मेरे भाई और बहन मुझे दाई की बेटी कहकर चिढ़ाया करते थे। किसी हीन भावना से ग्रस्त होने के बजाय मैं भी मानने लग गई थी कि मैं अपने माता पिता की बेटी नहीं हूँ, बल्कि उस दाई की बेटी हूँ जिसने मुझे दूध पिलाया था। इतने सारे बच्चों और दूसरी जिम्मेदारियों के बोझ के कारण उनकी माँ के पास उनके लिए बिल्कुल समय नहीं था। लिपटना, मीठी मीठी बात करना, लाड़ प्यार करना की कौन कहे, जिसकी हर बच्चे को आदत होती है भारत के किसी भी घर में। यहाँ तक कि माँ द्वारा लिए जाने वाले जरूरी काम भी आया द्वारा किए जाते थे जब वह बच्ची थी, और बाद में जब वह बड़ी हुई उसकी बड़ी बहन फरहत खानम उस मंजू द्वारा। हकीकत यह थी कि इस्मत चुगताई मंजू को अपनी बड़ी बहन के रूप में न देख उन्हें अपनी माँ के रूप में देखने लग गई थी, और जब तक वे जिंदा रहीं वे उन्हें पूरा सम्मान और स्नेह देती रहीं। जहाँ तक उनकी माँ की बात थी, इस्मत चुगताई की भावनाएं बहुत मिली जुली थी। बचपन की उनकी कमी उनके अंदर इतनी बसी हुई थी कि बाद में वे बोल पड़ी, अम्मा मुझसे नफरत करती थी शायद। यह रहस्यमय वाक्य उनके अंदर की गहरी भावनाओं के विषय में बहुत कुछ कहता है। एक मनोविश्लेषक निश्चित रूप से इस्मत चुगताई के विद्रोह के बीज को उनके बचपन में उनकी अनदेखी और उनको होने वाली कमी से जोड़कर देख सकता है। इस्मत चुगताई ने अपना बचपन फुटबॉल, गिल्ली डंडा, साइकिल चलाते, अमरूद तोड़ते और उन्हें खुरच खुरच कर खाते, पड़ोस में घूमते रहने और प्रायः कोई न कोई शैतानी करते रहने में बिताया। जब वह अपने भाइयों को घुड़सवारी करते हुए देखती थी तो वह भी वैसा करने की जिद करती थी, और अपनी माँ की कड़ी आपत्ति के बावजूद अपने मन का कर लेती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए,
उसे महापुरुषों और महिलाओं और लड़कों और लड़कियों के बीच के अंतर का एहसास दिला दिया गया। लेकिन वह महिला के रूप में अपने कम होने की बात मानने को तैयार नहीं हुई। वे दबी हंसी से याद करते हुए कहती हैं, मैंने महसूस किया कि लड़की होने के भी अपने फायदे थे। अब्बा की हिदायत थी कि लड़कियों को उनकी चोटियां या नाक पकड़कर नहीं खींचा जाना चाहिए। यदि लड़कियां किसी को मारतीं तो उस व्यक्ति को सरकार यानी उसके पिता से शिकायत करनी चाहिए। खैर, सिर्फ एक ही लड़की थी और वह मैं थी, जिसके खिलाफ हर दूसरे दिन एक शिकायत दर्ज की जाती थी। तो भी मेरे भाइयों की साख इस मामले में इतनी नीचे थी कि मुझे शायद ही कभी सजा दी जाती थी। इसके विपरीत उन्हें डांट दिया जाता था। जब वे 4 साल की थीं, इस्मत चुगताई का परिचय बगदादी कायदा अरबी में पढ़ाने का पहला अक्षर जो होता है उससे कराया गया। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए घर आते थे। अपनी लघु कथा बचपन में उन्होंने उन्हें दी गई प्राथमिक शिक्षा के विषय में स्पष्ट करते हुए वर्णन किया है। उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा आगरा में प्रारंभ हुई, जहां वे दूसरी बच्चियों के साथ एक पालकी में जाया करती थीं, जिसे 2 कहार उठाकर ले जाते थे। परिवार आगरा से बहराई चला गया और बाद में जब इस्मत चुगताई 9 साल की थीं, तो परिवार अलीगढ़ चला गया। किसी भी तरह 12 वर्ष की उम्र में उसने कुरान पढ़ना समाप्त कर लिया। उसकी उपलब्धि पर बधाई देने के बजाय उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी हंसी उड़ाई, जो नए उनकी बहन की बेटी ने बहुत पहले कर लिया था। और उन उपलब्धियों के अलावा जो एक घर को कुशलता से संभालने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, इस्मत चुगताई ने कभी भी इन आवश्यक मानी जाने वाली तथाकथित उपलब्धियों के प्रति अपना रुझान नहीं दिखाया, जिन्हें एक महिला का अपने जीवन को खुश रखने के लिए ज़रूरी माना जाता था, विशेषकर शादी के बाद। जब वह 12 वर्ष की हुई तो एक दिन उनकी माँ ने उन्हें एक पुराना घरारा यानी स्कर्ट सिलाई अभ्यास करने के लिए दिया। उन्होंने उसमें थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसी ही बात तब हुई जब उन्हें खाना पकाना सीखने के लिए कहा गया। इस्मत ने खाना बनाने की कला सीखने से साफ इनकार कर दिया। माँ घबरा गई और उन्हें बुरे सपने आने लगे कि शादी के बाद इस तरह की जिद्दी लड़की का क्या होगा। बात इस्मत के पिता तक पहुँचाई गई। जब उन्होंने जानना चाहा कि वह क्यों महिलाओं वाले गुण नहीं सीखना चाहती थी और उनसे पूछा कि वे अपने पति के साथ शादी के बाद कैसा महसूस करेंगी यदि उन्हें खाना बनाना नहीं आएगा, तो उनका जवाब था, यदि वह गरीब होगा तो हम खिचड़ी खाकर काम चला लेंगे, यदि वह अमीर होगा तो हम रसोईया रख लेंगे। उनके इस सरल जवाब से उनके पिता हैरान रह गए। जान पड़ता है वे अपने चारित्रिक विशेषताओं को हासिल करने के रास्ते पर थीं। प्रखर व्यक्तित्व और स्पष्ट सोच कि वे क्या चाहती थीं और वे क्या नहीं चाहती थीं। जब इस्मत चुगताई 9वीं क्लास में थी तो शादी के प्रस्ताव आने लग गए। उन दिनों लड़कियों की शादी 14 या 15 वर्ष की उम्र में होना सामान्य बात हुआ करती थी। उनके माता पिता ने एक लड़के का प्रस्ताव मान लिया जो एक डिप्टी कलेक्टर था। शादी की तैयारियां धूमधाम से होनी शुरू हो गईं। एक दिन उनका ध्यान घर पर कुछ अजीबोगरीब गतिविधियों पर गया। सावधानी से पूछताछ करने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि तैयारियां उनकी शादी के लिए हो रही थीं। उन्होंने अपने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई से निवेदन करते हुए इस शादी को रोकने के लिए लिखा। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि प्रस्ताव उनके द्वारा भेजा गया था कि लड़का हर लिहाज से अच्छा था और वह अपनी पढ़ाई शादी के बाद कर सकती है। तब उन्होंने अपने माता पिता को कह दिया कि वे शादी नहीं करने जा रही हैं, कम से कम अभी नहीं। जब सारा मान मनोबल काम नहीं आया तो उन्हें एक तरकीब सूझी जिसे निश्चित रूप से कामयाब होना था। उन्होंने अपने ममेरे भाई जुगनू यानी अथर हुसैन, उनके बड़े मामा जफर का बेटा,
को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अत्यंत भावुक होकर उनसे विनती की कि वे उन्हें इस होने वाली तबाही से बचा लें। उन्होंने उनसे कहा कि वे उनके पिता को एक पत्र लिखें जिसमें वे खुद उनसे शादी करने की चाहत रखने की बात लिखें। जुगनू ने उनकी योजना के मुताबिक किया और अपनी चाहत अपने पिता तक पहुंचा दी, जिन्होंने अपनी बहन यानी इस्मत की माँ से दूसरी सगाई तोड़ देने की विनती की। नुसरत खानम, जिनका अपने भाइयों से गहरा लगाव था और वे जुगनू को बहुत चाहती थीं, बहुत खुश हो गईं यह सुनकर। इस असाधारण हाथ की सफाई से इस्मत कम उम्र में शादी को टालने में कामयाब हो गईं और इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उनकी आगे प्रगति और उनके अंदर की साहित्यिक रचनात्मकता के दरवाजों को प्रभावशाली तरीके से बंद कर देती। इस्मत चुगताई ने इस्लाम, ईसाई धर्म और हिंदुत्व का थोड़ी गहराई से अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने वह पाया जिसे उन्होंने मजहब इंसानियत, मानवता का धर्म का नाम दिया, जिसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहा। हिंदुत्व ने उन्हें आकर्षित किया, विशेष कर से वे हिंदू पौराणिक कथाओं और श्याम वर्ण के देवता कृष्ण की छवि से बहुत प्रभावित हुईं। यद्यपि वे कभी कभी इस्लाम के शिया और सुन्नी संप्रदायों के धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होती थीं, वे उनके लिए धार्मिक अवसर होने के बजाय सामाजिक अवसर हुआ करते थे अधिक। वे सभी धर्मों की मान्यताओं को मानव जीवन के आचरण और मानव के सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करती थीं, लेकिन वे उनके अलौकिक स्वरूप में विश्वास करती नहीं दिखती थीं। ना ही वे मौत के बाद किसी जिंदगी के होने की बात में विश्वास करती दिखती थीं। धर्म के विषय में उनकी छिटपुट टिप्पणियों में ईश्वर के अज्ञेय रूप स्वरूप की एक हल्की रेखा दौड़ती हुई दिख जाती थी। यह सब स्पष्ट हो जाता है उनके उस जवाब से जो उनकी रचनाओं में धर्म की उपस्थिति पर उनसे किए गए सवाल से। जेपी, आपकी कहानियों में बहुत अधिक इस्लाम नहीं है, क्या आप आस्तिक हैं? आईसी, मतलब इस्मत चुगताई, अब मुझे मुसीबत में नहीं डालें, मैं कलीमा को सुंदर तरीके से सुना सकती हूँ जब ज़रूरी हो, जैसे जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ। मेरा मानना है कि कोई शक्ति है, लेकिन मैं उससे डरती नहीं हूँ। यदि मैं अपने होठों पर अल्लाह का नाम लेकर अपनी खिड़की से छलांग लगा दूँ, मैं जानती हूँ वे मुझे नहीं बचाएंगे। मैं इबादत यानी प्रार्थना नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कुछ गलत भी नहीं करती हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। किसी भी धर्म को मानने में कोई बुराई नहीं है। मैं हिंदू भी हो गई, मुझे एक हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गई, वह मुझे मंदिर ले गया, मुझसे गाय का मूत्र पिलवाया, उसकी काफ़ी अच्छी खुशबू थी। मैं मंदिरों में गई हूँ, मुझे उनके प्रसाद और पूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। कुछ मामले में वे हमेशा एक बच्ची रहीं, उत्सुक और अपनी उम्र से आगे की सोच रखने वाली। शैतानी से उनका प्यार और बच्चे जैसा अचरज ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा नए अनुभवों से खेलती थीं, नए लोगों से मिलती रहती थीं और नई जगहों को देखने जाती रहती थीं। उन्होंने चीन, सोवियत रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, फिनलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और पाकिस्तान की यात्रा की और उनका जोश उनकी यात्राओं के बाद उनके यात्रा वृत्तांत में व्यक्त होता दिखता है। अपने जीवन की संध्या में वे अपनी याददाश्त खो चुकी थी और बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसके बावजूद ना ही उम्र और ना ही जीवन के मोड़ उनकी तलवार की धार सरीखी हाजिर जवाबी को कम कर सके या उनकी आक्रामकता को दबा सके। अपनी गिरती उम्र के बावजूद उनका आत्मविश्वास और उनकी जंजाल जिद ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे कभी नहीं मान सकती थीं कि वे गलत थीं या हार मान सकती थीं। जब भी वे कुछ गलत बोल जाती थीं या अपनी गिरती याददाश्त के कारण अपनी ही कही बातों से उलट जाती थीं और लोग उन्हें ध्यान दिलाते थे तो वे उन्हें चिल्लाकर छुप छुप कर देती थीं और बेपरवाही से अपनी पहले कही हुई बातों को मानने से इनकार कर देती थीं।
उसी तरह वे डॉक्टरों पर चिल्ला पड़ती थीं जब वे कहते थे कि उनकी याददाश्त चली गई है। अंत में 24 अक्टूबर की सुबह 1991 में उन्हें उनके बिस्तर पर मृत पाया गया। उन्हें मुस्लिम धर्म के मुताबिक नहीं बल्कि चुपचाप उनका दाह संस्कार कर दिया गया, जैसी कि उनकी इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार बिजली के शवदाह गृह में किया जाए। तो मैं यहाँ टेक्स्ट समाप्त करता हूँ। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।